गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन स्टडी एट अलावा। चलिए, लास्ट टाइम पे जब हमने आपको बताया था तो कुछ इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शंस बताए थे। जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया था गेट सी, पुट सी, गेट कार, पुट कार, ये कैरेक्टर बेस्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस थे, राइट। इसके बाद हमने गेट डब्ल्यू और पुट डब्ल्यू भी बताया था, और ये बताया था ये इंटीजर लेने के लिए फंक्शंस थे। यहाँ पर अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसमें दो चीज आपने नोटिस की होगी, दो चीज। पहला चीज तो ये नोटिस किया कि कैरेक्टर के लिए अलग फंक्शन है, इंटीजर के लिए अलग फंक्शन है, यानी अलग अलग डेटा टाइप के लिए आपके पास अलग अलग फंक्शंस हैं। एक चीज ये नोटिस किया होगा। दूसरा ये नोटिस किया होगा कि ये जो फंक्शंस हैं एक बार में केवल एक इनपुट लेंगे, है ना। अगर हम चाहते हैं पांच कैरेक्टर इनपुट लेना तो आपको पांच बार लिखना पड़ेगा, ए इक्वल्स टू गेट कैर, बी इक्वल्स टू गेट कैर, सी इक्वल्स टू गेट कैर, पांच बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये दो चीजें आपने नोटिस किया। क्या हमारे पास कुछ ऐसा भी फैसिलिटी है सी लैंग्वेज में कि हम एक ही फंक्शन से अलग अलग टाइप का इनपुट ले सकते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या एक साथ हम कई इनपुट ले सकते हैं? जो दो प्रॉब्लम थी अभी तक आपने देखा कल तक जितने भी फंक्शंस पढ़े थे उसमें, और उन्हीं दोनों का आंसर हम खोज लें, क्या कि एक ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसमें हम चाहे जैसा इनपुट ले लें, इंटीजर भी, कैरेक्टर भी, फ्लोट भी। क्या हमारे पास ऐसा फंक्शन है कि एक साथ कई इनपुट ले सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, और वो है हमारा फॉर्मेट बेस्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। फॉर्मेट बेस्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या करता है? हमारे दिए हुए फॉर्मेट के अनुसार, हमारे दिए हुए फॉर्मेट के अनुसार इनपुट लेता है या आउटपुट देता है। अब यहां पे फॉर्मेट मतलब जो आप बताएंगे स्पेसिफिकेशन। उदाहरण के लिए मैं चाहता हूं एक कैरेक्टर इनपुट लेना, एक इंटीजर इनपुट लेना। तो अब इसमें दो तरह के इनपुट है, एक कैरेक्टर फॉर्मेट में, एक इंटीजर फॉर्मेट। तो जैसा हम चाहें, पहले कैरेक्टर लेना चाहते हैं या पहले इंटीजर, ये भी तय कर सकते हैं। तो इन कामों के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं सी में, उनको अभी हम पढ़ेंगे, राइट। समझ में आया? चलो, तो फॉर्मेट बेस्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या है? दीज फंक्शंस अलाउ अस टू एक्सेप्ट और डिस्प्ले डेटा इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट्स। क्या लिखा हमने? हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि ये जो फंक्शंस हैं, ये हमें सुविधा देते हैं कि हम अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में इनपुट दे सकते हैं, डेटा ले सकते हैं या डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, दोनों, है ना। जिस फॉर्मेट में चाहे उस फॉर्मेट में, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, जैसा चाहे। और साथ ही साथ ये हमें मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स की सुविधा देते हैं, एक साथ कई इनपुट और एक साथ कई आउटपुट की सुविधा देते हैं। दे ऑल्सो अलाउ
multiple inputs and outputs in a single function. एक ही function से क्लियर एक से ज्यादा इनपुट एक से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स और साथ ही साथ यहां पे सुविधा क्या है आप जिस फॉर्मेट में चाहें उस फॉर्मेट में इनपुट ले सकते हैं या आउटपुट ले सकते हैं क्लियर कोई फिक्स नहीं कि एक इनपुट के लिए अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा कैरेक्टर के लिए अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा इंटीजर के लिए अलग फ्लोट के लिए अलग ऐसा कुछ नहीं है एक ही फंक्शन से सारा काम हो जाएगा इतना क्लियर है सबको वेरी गुड हाँ अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन कौन कौन से सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्कैन एफ फंक्शन स्कैनर फंक्शन ये फंक्शन क्या करता है इनपुट लेता है दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर formatted input इस फंक्शन का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं formatted input के लिए मतलब जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में इनपुट लेने के लिए यानी कि अगर आपको इनपुट लेना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे scanf राइट समझ में आया तो अब इसका सिंटैक्स जान लें इसका सिंटैक्स क्या है ये इसका सिंटैक्स है क्या सिंटैक्स है स्कैनर फंक्शन को ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा और डबल कोट्स के अंदर ध्यान रखिए जो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन देंगे वो किसमें देंगे डबल कोट्स के अंदर देंगे ठीक है ना फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन अभी क्या है अभी बात करते हैं और उसके बाद वेरिएबल्स जिसमें आपको इनपुट लेना है कॉमा लगा के देखिए पहले कॉमा फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स अगर एक वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल अगर कई वेरिएबल है तो सभी वेरिएबल के बीच में कॉमा लगेगा राइट समझ में आ रहा है पहले तो हम बात करें कि हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या क्या है सी लैंग्वेज में करेंगे समझिए अगर आपको कैरेक्टर इनपुट लेना है ध्यान से सुनिए अगर आपको कैरेक्टर इनपुट लेना है तो उसके लिए परसेंट सी लिखा जाता है क्या लिखा जाता है परसेंट सी इज द स्पेसिफायर फॉर कैरेक्टर अगर आपको कैरेक्टर इनपुट लेना है तो उसके लिए परसेंट सी ठीक इंटीजर लेना है तो उसके लिए है
परसेंट बी, इंटीजर के लिए क्या है इंट के लिए परसेंट डी। अगर आपको फ्लोट इनपुट लेना है तो उसके लिए है परसेंट एफ। फ्लोट के लिए परसेंट एफ, समझ में आ रहा है कि नहीं? परसेंट जी फॉर डबल, अगर आपको डबल इनपुट लेना है तो परसेंट जी, अगर आपको लॉन्ग इनपुट लेना है तो परसेंट एल डी, एल फॉर लॉन्ग, डी फॉर इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। तो ये किसके लिए होता है? लॉन्ग इंटीजर के लिए। समझ में आ रहा ना? परसेंट एल एफ लॉन्ग फ्लोट या डबल के लिए भी ये यूज होता है। एल एफ मतलब लॉन्ग फ्लोट या डबल। परसेंट एस स्ट्रिंग के लिए, जहां पे आपको स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग मतलब जैसे आपका नाम हमें इनपुट लेना है तो नाम कैसा है? एक सिंगल कैरेक्टर का नाम तो किसी काम का नहीं है ना, जैसे अंजलि नाम है तो ये तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है। क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। क्लियर? नोट करना है नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल देखेंगे ज्यादा समझ में आ जाएगा। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ जाए। मान लेते हैं कि हमें इनपुट लेना है। सपोज हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, कैरेक्टर टाइप का एक्स, इंटीजर टाइप का ए और बी, फ्लोट टाइप का एल और एम, हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं, ठीक है ना? अगर हम इसमें इनपुट लेना चाहते हैं, अगर हम इसमें इनपुट लेना चाहते हैं, सपोज मुझे एक कैरेक्टर इनपुट लेना है, एक इंटीजर इनपुट लेना है और एक फ्लोट इनपुट लेना है। कौन कौन सा? एक कैरेक्टर, एक इंटीजर और एक फ्लोट। तो हम कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल स्कैनर, इनपुट लेना है तो स्कैनर, फिर बताना पड़ेगा कि आपको इनपुट क्या लेना है। कैरेक्टर के लिए वेरी गुड, इंटीजर के लिए अच्छा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब परसेंट सी, प्लीज सभी का ध्यान चाहूंगा यहां पे, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, परसेंट सी के बाद आपने परसेंट डी लिखा। कुछ लोग होते हैं नहीं, कॉमा आवश्यक नहीं है, पहले समझ लीजिए क्या बोलना चाहूंगा। कुछ लोग होते हैं परसेंट सी और परसेंट डी एकदम सटा के लिख देते हैं, बीच में स्पेस नहीं देते हैं, कोई गलती नहीं है, चलेगा, इसमें कोई एरर नहीं है, चलेगा, बिल्कुल सही है। बट अगर एक स्पेस मैं दे दूं तो वो ज्यादा अच्छा है ना? कुछ लोग क्या गलती करते हैं ये भी देखो, यहां पे एक के बजाय दो या तीन स्पेस दे देते हैं। तो ध्यान रखिए, जैसा यहां पे दे रहे हैं इनपुट करते वक्त वैसा ही करना पड़ेगा,
जैसे आपने यहाँ पे दो स्पेस दे दिया तो इनपुट करने करते वक्त क्या करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर इनपुट देने के बाद दो स्पेस दीजिए फिर इंटीजर दीजिए। अगर आपने यहाँ पे कॉमा लगा दिया तो इनपुट लगा देते वक्त भी कॉमा लगाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए कि हमें फालतू के इनपुट ना देने पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं केवल एक स्पेस देते हैं। क्लियर है किसी को कोई डाउट? तो हमने पर्सन सी, दूसरा हमें इंटीजर चाहिए तो, और तीसरा हमें फ्लोट चाहिए तो, वेरी गुड हो गया। अब देखिए ये कैसा है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर वेरिएबल कौन सा है, एक्स। ध्यान रखिए जब यहां पे जब आप इनपुट लेते हैं तो इसके पहले लगा देते हैं एंड। ध्यान रखिए नियम है, जब आप वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं, जब आप वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा एंड। ध्यान रखिए एंड मतलब एड्रेस, एंड का मतलब मेमोरी में एक्स के एड्रेस में ये स्टोर करो कैरेक्टर। फिर इंटीजर, इंटीजर के लिए हमने सपोज ए में इनपुट लेना है तो एंड बी, या ए में लेना है तो एंड, जिसमें लेना है वर्बल, पर ध्यान रखिए वर्बल उसी टाइप का होना चाहिए। ये पर्सन डी है तो ये पर्सन डी यानी कि इंटीजर होना चाहिए, और यहां पे जिस सीक्वेंस में पहला कैरेक्टर है तो पहला कैरेक्टर होना चाहिए, दूसरा इंटीजर है तो दूसरा इंटीजर होना चाहिए, तीसरा फ्लोट है तो तीसरा फ्लोट होना चाहिए, एंड एन। याद रहेगा वेरिएबल के नाम के पहले क्या लगा देते हैं, क्लियर। ध्यान रखिए चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, सबके वेरिएबल के नाम के पहले क्या लगेगा, एंड। केवल एक के पहले नहीं लगता है और वो है स्ट्रिंग, वो क्या है स्ट्रिंग के पहले एंड नहीं लगता है। और क्यों नहीं लगता है, इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा जब मैं पॉइंटर पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा, तब अभी नहीं। इसका दिमाग में रूल बना लो, क्या जब भी आप इनपुट लेंगे, जब भी आप इनपुट लेंगे तो हर वेरिएबल के पहले एंड लगाएंगे, केवल स्ट्रिंग वेरिएबल को छोड़ के, केवल स्ट्रिंग वेरिएबल को छोड़ के। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट? अब जब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो आपका कर्सर स्क्रीन पे ऐसे पड़ा रहेगा, मतलब आप इनपुट दो तो आपको पता है पहला इनपुट क्या देना है, कैरेक्टर। तो सपोज आपने एक्स में सपोज अगर आपने पी, तो ये एक्स है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा एल है, और ये हमारा एम। जब आपने पी डाला तो पी किस में गया, एक्स में, तो यहां पे पी आ गया, ठीक ना। फिर आपने एक इंटीजर लेना, सपोज आपने 329 डाला, क्या डाला 329, तो ये किस में जाएगा, ए में, यहां पे आ जाएगा 329। फिर एक फ्लोट डालना है, सपोज आपने 7.5 डाला तो ये किस में जाएगा, एल में, एल में हो जाएगा, समझ में आया। तो आपने डाला P 329 7.5 और एंटर, ध्यान रखिए सबके बीच में एक स्पेस, सबके बीच में क्या डाला, एक स्पेस, और एंटर किया तो P चला गया X में, 329 चला गया A में, और 7.5 चला गया L में। किसी को कोई दिक्कत समझने में हो रही हो तो अभी क्लियर कर लो, समझ में आ गया इनपुट कैसे लेते हैं, समझ में आ गया? अरे भाई कोई रिस्पांस नहीं है, गुड।
आगे बढ़ चले। अगला हमारा फंक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है प्रिंटफ। देखिए प्रिंटफ फंक्शन का दो पर्पस है, कितने? दो। पहला पर्पस है कोई भी मैसेज प्रिंट करना, कोई भी मैसेज प्रिंट करना, और दूसरा पर्पस है वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना। अगर किसी डेटा की वैल्यू को प्रिंट करना है, किसी डेटा को प्रिंट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रिंटफ फंक्शन। ठीक, तो इसका पर्पस क्या है? इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एनी मैसेज और डिस्प्ले डेटा वैल्यूज। डेटा यानी कि वेरिएबल। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एनी मैसेज और डेटा वैल्यूज, किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए या डेटा की वैल्यूज प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रिंट एफ फंक्शन। इसका सिंटैक्स अगर आपको केवल मैसेज प्रिंट करना है, अगर आपको केवल मैसेज प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो लिख दो। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स नंबर वन है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। मान लो मुझे प्रिंट करना है वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी अड्डा इलाहाबाद। मुझे क्या प्रिंट करना है? वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी अड्डा इलाहाबाद। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट एफ। डिस्प्ले करना है वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी इलाहाबाद, तो मैंने कहा प्रिंट एफ डबल कोट्स में वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी अड्डा इलाहाबाद। तो जब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो स्क्रीन पे क्या लिख आएगा? वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी अड्डा। ऐसा क्लियर? समझ में आया? तो अगर केवल मैसेज प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर जो भी प्रिंट करना है वो डेटा। आगे बढ़े, दूसरा सिंटैक्स, सिंटैक्स नंबर टू। प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन वेरिएबल लिस्ट क्या है? प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन और कॉमा लगा के वेरिएबल लिस्ट। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन वही है जो आपने
चार एफ में पढ़े थे, इंटीजर के लिए परसेंट डी, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी, फ्लोट के लिए परसेंट एफ, लॉन्ग के लिए परसेंट एच डी एंड सो ऑन, वही सारे। और जिन वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है वो वेरिएबल का नाम कॉमा लगा करके, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा सिंटैक्स है, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? दिस इज सिंटैक्स नंबर टू। उदाहरण के लिए अभी हमने इनपुट लिया था तीन वेरिएबल, एक एक्स, एक ए और एक एन, इनपुट लिया था ना, उनको प्रिंट करना है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ, बोलो भाई, प्रिंट एफ डबल कोट्स, पहले क्या प्रिंट करना है, कैरेक्टर या इंटीजर, ये आप डिसाइड करना है। मान लो पहले हमें इंटीजर प्रिंट करना है तो परसेंट डी, फिर कैरेक्टर प्रिंट करना है तो परसेंट सी, फिर परसेंट एफ और यहां पर कॉमा, उसके बाद इंटीजर वाला वेरिएबल क्या था हमारा ए, तो हम लिखेंगे ए। ध्यान रखिए यहां पे एम्परसेंट नहीं लगेगा, केवल इनपुट लेते वक्त लगता है, प्रिंटर में नहीं लगता, स्कैनर में लगाना पड़ता है, प्रिंटर में एम्परसेंट नहीं लगेगा। याद रहेगा कि नहीं? भूल जाओगे तो पढ़ाई भी होगी। ए कैरेक्टर के लिए एक्स, फ्लोट के लिए एन, हुआ समझ में आया? एनी डाउट्स? कोई दिक्कत, कोई समस्या? नोट कर लीजिए। इसका एक तीसरा सिंटैक्स भी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैसेज भी और डेटा दोनों प्रिंट करते हैं, मैसेज के साथ साथ डेटा। जैसे मान लो हमने जो डेटा इनपुट किया था किसमें किसमें कराया था, एक तो कैरेक्टर एक्स में कराया था और इंटीजर ए में कराया था और फ्लोट एल में कराया था। हम आउटपुट चाहते हैं लिख के आए एक्स बराबर जो उसकी वैल्यू है वो, वाई सॉरी ए बराबर जो उसकी वैल्यू है वो, और एल बराबर जो उसकी वैल्यू है वो। हम आउटपुट में ऐसा चाहते हैं, मैसेज में एक्स बराबर लिख के आए और उसके बाद उसकी वैल्यू, फिर ए बराबर लिख के आए उसकी वैल्यू, फिर एल बराबर लिख के आए उसकी वैल्यू। अब इसमें देखिए ये मैसेज है और ये डेटा है, ये मैसेज है ये डेटा है, ये मैसेज है ये डेटा है। तो ऐसे कामों के लिए हम तीसरा सिंटैक्स यूज करते हैं जिसमें दोनों यूज कर सकते हैं। तो सिंटैक्स नंबर तीन, प्रिंटर मैसेज और फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन दोनों, ठीक है, कॉमा वेरिएबल लिस्ट, समझ में आया? इसमें दोनों चीज, मैसेज भी और स्पेसिफाइड भी। उदाहरण के लिए हमें मैसेज ऐसे चाहिए और उसके साथ डेटा चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंटर हमें ऐसा आउटपुट चाहिए, क्या लिखेंगे? प्रिंटर पहले हम लिखना चाहते हैं ये, तो हम लिखा x बराबर और यहां x की वैल्यू, x किस टाइप का डेटा है? कैरेक्टर, तो उसका स्पेसिफायर क्या यूज करेंगे? वेरी गुड, परसेंट सी, अर्थात आपके आउटपुट में क्या आना चाहिए, पहले x बराबर लिख के उसके बाद परसेंट सी जो आगे वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ए बराबर, ए किस टाइप का है, तो यहां पे क्या यूज होना चाहिए? गुड,
और उसके बाद L बराबर फ्लोट टाइप का है तो परसेंट F. अब यहां पर पहले क्या है, देखो यहां पर आउटपुट पीस पे देखो सबसे पहले क्या है आपका परसेंट सी, परसेंट सी किसकी वैल्यू है X की, तो यहां पर लिखेंगे X. यहां पे इंटीजर, इंटीजर किस में है A में, तो कॉमा A कॉमा N. यानी कि जब कंपाइलर को रन करेगा तो कैसे रन करेगा, जरा देखो पहले यहां पे आएगा क्या लिखा है X बराबर, तो लिखेगा X बराबर परसेंट सी, तो यहां पे ये जो वेरिएबल है X इसकी वैल्यू कैरेक्टर में लिख देगा. सपोज आपने P इनपुट कराया तो लिखेगा P, ठीक ना. फिर आगे जाएगा क्या लिखा है A बराबर परसेंट डी, अगला वेरिएबल किस टाइप का है इंटीजर A, A की वैल्यू क्या लगा सामने 329. एग्जाम्पल यही दिया था. फिर आगे बढ़ेगा L बराबर 7.5, तो यहां पे ऐसे आउटपुट आएगा. समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्कैनर और प्रिंटर समझ में आ गया होगा. अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो अभी क्लियर कर लो. अनूप कोई दिक्कत? गुड. यहां पर इससे पहले कि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े एक चीज और बताना चाहेंगे और वो है एस्केप सीक्वेंसेस. हेडिंग डाल लीजिए एस्केप सीक्वेंसेस. अब ये एस्केप सीक्वेंस क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर उसका प्रयोग कैसे करेंगे ये देखेंगे. एस्केप सीक्वेंस का मतलब होता है सम स्पेशल कैरेक्टर्स, सम कोई स्पेशल कैरेक्टर जिसका कोई स्पेशल मीनिंग हो, जिसका कोई स्पेशल मीनिंग हो, ऐसे कैरेक्टर जिनका कोई स्पेशल मीनिंग हो, जो लिखा है वो मतलब ना होकर के कुछ और मतलब हो, ठीक है ना, उनको क्या कहेंगे एस्केप सीक्वेंस. तो सी लैंग्वेज में हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो हम लोग आमतौर पे प्रिंटफ के साथ यूज करते हैं. किसके साथ? पहला है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. दीज आर स्पेशल सिंबल्स और कैरेक्टर्स दैट हैव सम स्पेशल मीनिंग. दे आर यूज्ड इन फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन इन प्रिंटफ फंक्शन.
इनका प्रयोग हम करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन के साथ, किसमें? प्रिंटर फंक्शन। क्लियर? हमारे जो सबसे कॉमन एस्केप सीक्वेंस है वो क्या क्या है? पहला है \l। \l का मतलब न्यू लाइन। \l का मतलब न्यू लाइन। उदाहरण के लिए मान लो मैंने लिखा प्रिंटर हेलो, मैंने क्या लिखा है? हेलो \ स्टूडेंट्स। तो जब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो पहले प्रिंट करेगा हेलो, उसके बाद क्या लिखा है? न्यू लाइन, मतलब यहां से अब कर्सर यहां आ जाएगा, कर्सर नए लाइन में चला जाएगा और यहां पे क्या प्रिंट करेगा? यानी आउटपुट दो लाइन में लिखेगा। समझ में आया? और सपोज इसके ठीक बाद लिखा है हेलो न्यू लाइन स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अब देखिए इसका आउटपुट तो ये आया, उसके बाद क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग। तो इसके तुरंत आगे यहीं पे लिखेगा गुड मॉर्निंग। अगर आप चाहते हैं ये भी नए लाइन पे आए तो या तो यहां पे न्यू लाइन लगा दो या इसके पहले न्यू लाइन लगा दो। भाई इसको स्टूडेंट प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन प्रिंट करा दो या फिर गुड मॉर्निंग के पहले करा दो, ठीक है ना? तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्या यहां लिख दिया। अब ये क्या करेगा? हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद न्यू लाइन यहां पे गुड मॉर्निंग। समझ में आया? तो न्यू लाइन का पर्पस है प्रिंटिंग में लाइन चेंज करने के लिए, प्रिंटिंग में लाइन चेंज। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला जो एस्केप सीक्वेंस है वो है \t। \t किसके लिए यूज होता है? टैब के लिए। आप लोगों ने एमएस वर्ड पे जब टाइपिंग किया होगा तो देखा होगा टैब दबाते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। कितना आगे बढ़ता है? चार स्पेस या आधा इंच के आसपास है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट करते वक्त भी स्पेस दिया जाए तो वहां पे क्या यूज कर सकते हैं? टैब। जैसे कि हमने मान लो लिखा प्रिंटफ हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए हेलो के बीच में, स्टूडेंट के बीच में क्या लिखा है? टैब।
तो पहले लिखेगा हेलो और उसके बाद फास्ट प्लेस देगा, फिर लिखेगा। तो जहां कहीं भी स्पेस देना है वहां पे क्या यूज करेंगे, बैक स्लैश टी यानी कि टैब। तो थोड़ा एक बार टैप देंगे तो थोड़ा स्पेस देगा, दो बार देंगे तो और ज्यादा देगा, तीन बार चार बार दस बार जितनी बार चलिए उतने बार दीजिए। क्लियर? बैकस्लैश ए का मतलब होता है अलर्ट। बैकस्लैश ए का मतलब क्या होता है? अलर्ट का मतलब होता है आवाज सुनाई देगी। अगर आपके कंप्यूटर में स्पीकर लगा है तो, आमतौर पे स्पीकर नहीं लगा रहता है तो आवाज कहां से आएगी, आ ही नहीं सकती। तो अगर आपके कंप्यूटर में स्पीकर लगा है और आपने प्रिंट ऑफ कराया बैकस्लैश ए तो वहां पे एक बीप की आवाज आएगी। क्या आएगी? बीप की आवाज आएगी यानी अलर्ट। ये दिखाई नहीं देगा, केवल सुनाई देगा। बैकस्लैश बी बैकस्पेस के लिए होता है। आपने कीबोर्ड पे बैकस्पेस देखा है ना, वो क्या करता है, पीछे वाला मिटा देता है। पीछे वाला कैरेक्टर ये भी वही करेगा, पीछे वाला कैरेक्टर मिटा देगा। आप चाहते हैं यूजर इनपुट करे जो भी प्रिंट हो रहा है उसके बाद मिटता भी जाए, दिखाई ना दे, जुगाड़ है ना। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस है। ये दो ज्यादा जरूरी जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, कौन कौन से, न्यू लाइन और आज इतना ही रखेंगे, इसको यहीं पे रोकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।